क्या लगता है कैसा खेला आप लोगों ने? मेरे ख्याल से तो ये ज़बरदस्त हुआ, और ये इस बाई की मुंह पे एक थप्पड़ है मेरे ख्याल से, जो मुझे भी और बाकी लोगों को भी उलझा रहे थे खामखा में। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं आई थी, लेकिन ये कह रहे थे कि आपकी इंग्लिश ख़राब है। और मैंने इससे जैसा जिक्र किया, जब हमारी कौमी ज़बान उर्दू है तो हम इंग्लिश के पीछे क्यों लगे? या आपने जब कोई इंग्लिश इंग्लिश की के नई किताब लिखी है इंग्लिश तो के ऊपर आपने कोई इंग्लिश की जब किताब एक लिखी सवाल है, किया या गया था आपके कि परदादा अंग्रेज़ों के मुल्क नहीं, में रह के आए थे? जब सवाल किया गया था कि सवाल जैसा होगा वैसे जवाब होना चाहिए, उसमें कुछ इंग्लिश तलफ्फुज भी होते हैं, जरूरी नहीं हर चीज को लेकिन उर्दू हमने के उर्दू स्टाइल ऐड से कर दी बोले। ना, अगर इंग्लिश में सैफ को मुझसे एप्पल पूछा कहते गया, और मुझे मैं आगे तलफ्फुज सही नहीं लगे, मैंने एप्पल बता कहते दिया, और बस मैं इतनी सैफ सी बोल बात है। दूं तो इसमें कौन सी अरज वाली बात है? और ये थप्पड़ पड़ की कोई बात नहीं होती भैया, थप्पड़ की बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके परदादा जो थे, या तो अंग्रेजों के साथ उनके कोई मुलाकात थी, या उन्होंने कोई बुक वगैरह लिखी होगी, आपके कोशिश अंदाज से ऐसा करें लग रहा है ना मुझे। पाकिस्तानी आ है गया, आ गया। भाई, है उर्दू अच्छी बोले आप खुद, उर्दू तो मेरी अच्छी है। मैं बहुत अच्छी बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह दोबारा अगर सवाल किया जाएगा मुझसे मैं फिर हाँ, बोलूंगा, आप भी अच्छी बोलिए। उन्होंने पूछा, बस मैंने इतनी सी बात कही है, और उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, आपने तंस किया और मुझ ना पे, जज्बाती होने की आपने बात मुझे है। इसमें जज्बाती कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल तंस आप किया, आपको जज्बात नहीं नहीं हो करना रहे। चाहिए था। ओके ओके नेमत, वो पुला पिछला राउंड था, वो राउंड हो गया, खत्म हो गया, हमने इतने सवाल पूछे, ये दूसरा राउंड है तो पुरानी बात आ गई, और क्यों ये लेते साथ हैं? वाला भाई हंस रहा है ऐसे जैसे हम यहाँ पे कोई लतीफा सुना रहे। यहाँ पे सीरियस, आपको सीरियस रहना है, या मेरी कोई गलती हो रही है, या मेरे अल्फाज में आप कोई असल में गलती उर्दू निकल रही जज्बात है? में इसलिए वो हंस एक रहा है। मिनट एक यार, मिनट एक बातें मैं मिनट कैसी बातें करूं, मतलब आप मुझे बताएं। यहाँ पे हम हमारे से मैडम सवाल पूछ रही है, उसका हम प्रॉपर जवाब दे रहे हैं, और अगर मेरे में उर्दू से कोई गलती निकलती है, या इंग्लिश में मेरे अल्फाज में कोई गलती निकलती है, तो ठीक मैं है, इंसान हूँ, ओके किसी ओके पे हंसना गॉट इट चाहिए हसन। क्या? आप हाथ नीचे करो, हाथ ठंडे एक ठंडा मैं जाए ठंडा हूँ, हाथ नीचे करो, ना आप हाथ पहले हाथ नीचे करो, डोंट टच मी। जज्बाती हो रहे ओके थे, ना, मेरे नेमत, देखे कौन जज्बाती हो इस रहे हैं? वजह से अरे यार, ऊपर गया हूं। आप मेरे भाई एक हैं। ये हंस रहे हैं मेरे पीछे शो के दौरान, गेम ठीक है, स्टार्ट जैसे करने के लग लिए रहा है यहाँ जज्बाती पे थे, कोई और ही और माहौल आपकी लगो, वो यहाँ पे चीज कोई कर रहे लतीफे हैं, सुनाए आप जा भी रहे हैं। जज्बाती नेमत हैं। ओके रिलैक्स, क्या कह रहे हैं सुल्तान? आप हाथ नीचे रखें प्लीज, यहाँ पे आप अभी भी हंस रहे हैं इतनी, इस बंदे को इतनी तमीज है नहीं। नेमत नेमत एक मिनट, ये पहले तो गेम शो गया है, यहाँ पे तो आप यहाँ देखो गेम शो है, लेकिन यहाँ हंसी आपकी बात के रहे है ना, बात सुने आप, सवाल बात पूछा जा रहा है नहीं, उसका आप प्रॉपर दूसरों की जवाब भी दे रहे बात हैं। सुन ले, आप बात सिर्फ खुद सुने, ये गेम शो है तो यहाँ पे आप गेम की तरह खेलें, और ना आप किसी के लैंग्वेज पे आप बोल सकते हैं, ना आप किसी को भाई कोई आपके डाउट साथी दे ने सकते मेरे हैं। लैंग्वेज पे बोले जो आपके साथ खड़ा है, आपको इतना भी इल्म नहीं है? आप लैंग्वेज कहाँ खोए लैंग्वेज पे नहीं, हुए हो? वर्ड्स उसने पे कहा कि इंग्लिश गलत है इस कहा, भाई की, आपने जो पहले वर्ड्स का कुछ हुआ था मसला, उसके अंदर मैंने सिर्फ उसके ऊपर कहा, मैंने भाई आपकी झगड़ा लैंग्वेज नहीं पे कुछ चल रहा, नहीं लेकिन ओके अपनी बात गाइस तो बंद कर दैट्स सकते हैं ना। मैंने इसकी लैंग्वेज पे कुछ नहीं कहा, लैंग्वेज पे बार बार आ रहा है, मैंने सिर्फ वर्ड्स पे कहा, जो वर्ड्स ये कह रहा था अटक रहा था काफी मर्तबा, आपने इसे मौका दिया वो मैंने ओके गाइस जी क्या कह रहे हैं आपने इसे थोड़ा मौका दिया कि बोले सही से थोड़ा सा। ओके ओके गाइस दैट्स इट स्टॉप इनफ, बहुत हो गया, बात खत्म हो गई, पुरानी वाली बात हो गई, आगे बढ़ गए हम। इस तरह मैम, अगर इस तरह अगर हमें ये कोई भी, अगर वो कोई भी बंदा, अगर कंटेस्टेंट अगर हमें इस तरह वो करता है, तो इससे हमारी चेन टूटने को बहुत ज्यादा खतरा है, हमारी चेन टूटे। बिल्कुल बिल्कुल, चेन ना टूटे, सब यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा कर जाए। नेमत खामोश, बस बहुत हो गया नेमत, अब हम बढ़ते हैं एलिमिनेशन की तरफ। आई वॉन्ट यू ऑल टू वोट फॉर दैट पर्सन जो आपको लगता है कि वीक है, जिसको राउंड थ्री की तरफ नहीं पढ़ना चाहिए। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब, वो एक नाम मुझ तक पहुंचाएं जो आगे राउंड थ्री में आपके साथ यहां नहीं खड़ा होगा। सुल्तान, आलियान, हसन, अवैस और कायनात के बैंक करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। नेमत, अवैस और अली थोड़े कंफ्यूज नजर आए, मगर अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा। ऑलराइट दैट्स इट गाइस, वोट करने का वक्त होता है खत्म, और आप में से कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा है जिसने पता नहीं क्यों दो लोगों के नाम मुझ तक पहुंचाए हैं। सुल्तान, क्या आप ये नहीं जानते कि आप सिर्फ एक शख्स को, यानी एक कंटेस्टेंट को वोट आउट कर सकते हैं? आपने दो लोग के नाम क्यों लिखे और चले सबको बताएं वो कौन से दो नाम हैं? पहला तो ये हमारे इमरान भाई हैं और दूसरे ये हमारे नेमत भाई हैं। क्यों दो नाम क्यों लिखे? वो इसलिए लिखे कि इन्होंने आपस में इतने झज्जे बनाए हुए, ये गेम शो है और ये कोई मछली बाजार या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे ये आपस में लड़ सके या कोई बाहर नहीं घूम रहे, तो इस चक्कर में ये हमारी चेन टूटने को, बाकी आप समझ नहीं तो आपके साथ जो कड़ा इसने मसले बनाए ना, हमने तो मसले नहीं बनाई सही, लेकिन जो मसला बना रहा आप उनका नाम लिखा ना, या मैंने कोई मसला बनाया, लेकिन ये बात ये गेम पे नहीं होती है। मसला आपने इतना चौड़ा ये बात कर दिया, आप जब अंग्रेजों की तरफदारी करेंगे पाकिस्तान में बैठकर, तो मसला इतना सा तो इतना ही होगा ना। मुझे नहीं सुननी आप दोनों की अब एक भी बात गाइस, बस बहुत हो गया है।
नेमत और इमरान, अब मैं मजीद आप लोग का इसी टॉपिक पे वापस ना सुनूं कोई बात, कोई और मसला है तो प्लीज बताइएगा। ये वाली जो अंग्रेज हो गए और ये हो गया, बस जाने दो अंग्रेजों को, ठीक है सुल्तान। कोई एक नाम बता, आप मुझे कोई एक नाम बताएंगे, दो नाम नहीं बता सकते। वैसे तो देखा जाए मैं अलियान को वो करता हूँ। तो जब आपको वक्त मिला था वोट करने का, जो मखसूस वक्त था, नो लिसन टू मी, जो मखसूस वक्त था उसमें आपको वोट करना चाहिए था। आप जज्बाती होकर इमरान और नेमत का नाम लिख गए, अब आप कह रहे हैं मैं वैसे तो उसको करूंगा, क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल खड़ा हुआ और दूसरा उसका फोकस नहीं है। तो आपको बात सोचनी चाहिए थी ना कि जब आपने वोटिंग का वक्त आपको दिया गया था उस वक्त आपको सोच समझ के ये नाम लिखना चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट खड़ा हुआ है, कंफर्टेबल खड़े हो तुम। कॉन्फिडेंट तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा, तुम बात करते हो तुम्हारे मुंह से कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा तुम। मैं बात ही ऐसे कर रहा हूं, बात देखो फिर अनकॉन्फिडेंट बात कर रहे हो। सुल्तान टू बैड, वक्त खत्म हो गया है, जो वक्त आपको मिला था उसके अंदर ही आपका डिसीजन होना था। अब मैं आपको इतना कर सकती हूँ कि इन दोनों में से कोई एक नाम मुझे बता दे। ये हमारे इमरान भाई, इमरान, ओके। सुल्तान का वोट इमरान के खिलाफ। इमरान से पूछते हैं आपने किसको वोट आउट किया है? अवैस को मैंने वोट दिया है। क्यों? आई थिंक ये खेल नहीं पा रहा, ये खेल मैं नहीं चाहता कि अब उन्होंने भी जो नियामत है उन्होंने भी कहा था कि इसको निकाला जाए, तो वाकई मैंने पहले उम्मीद रखी थी उनसे मगर वो उम्मीद तो पूरा नहीं उतर पा रहे, तो आई थिंक उन्हें हटा दिया जाए। ऑलराइट जी, आपका वोट अवैस के खिलाफ है, अवैस से बात करते हैं। अवैस, आपने किसको वोट आउट किया है? नेमत भाई को। क्यों? क्योंकि ये हर बारी में बहसबाजियाँ कर रहे हैं बहुत, तो इस वजह से। ठीक है, बहसबाजी की वजह से आपने नेमत को वोट आउट किया है। ओके, नेमत के खिलाफ एक वोट, इमरान के खिलाफ एक वोट। आलियान, अवैस। क्यों? वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल सकते हैं, मतलब वो नहीं खेल पा रहे आगे सही से, वो अटक भी रहे हैं बहुत। दो वोट अवैस के खिलाफ, एक वोट इमरान के खिलाफ। हसन, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट भी अवैस के लिए। तीन वोट अवैस के खिलाफ। ऑलराइट, बेसिकली मेजॉरिटी वोट्स जिस कंटेस्टेंट के खिलाफ है नेमत वो आप नहीं है, इमरान वो आप भी नहीं है, अवैस वो कंटेस्टेंट आप है। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप मुझे जानते हैं मैं अवैस रजा हूँ, और हसन ने, इमरान ने और मेरा जो साथ में दोस्त था हसन, वो और अलियान, इन तीनों ने मुझे गेम से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकेंगे, मगर इन तीनों ने गेम से मुझे बाहर निकाल दिया। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।